थोड़ा साइड जाइए, थोड़ा साइड ही जाइए जी सर। सर सर यार सर सर व्हाट्स अप सर वन सेकंड। अरे यहाँ पे सर, यहाँ पर मनोज सर, सर सामने, सर सामने, थैंक यू। सीधा व्हील चेंज करना थोड़ा सा, तो अरे तू चेली लाओ यार, जॉन सर यहाँ पे, जॉन सर यहाँ पर, रुको, हेलो। I shouldn't. I'm quite amazed. This chair is really comfortable. It's very comfortable. पीछे रहना मोबाइल। हाँ, but the first thing that क्या? तो मेरे फ्रेम में आ रहे हैं। Okay? ये पीछे रहना ये। और पीछे क्या? Wait. आप कुछ बुला रहे हैं? आ रहे। Ready? चलो रोल है सबका। सॉरी। वेट। ना रुको, वेट। लाइट लगा नहीं तो जोर नहीं दूँ। चलो। रोल है सबका? या। ओके। जॉन, मनोज जी, आशा जी, धीरे-धीरे दिन नजदीक आ रहे हैं तो क्या कुछ फीलिंग होती है क्योंकि अब 15 अगस्त को पिक्चर रिलीज है। ये देखने के लिए बहुत एक्साइटमेंट है कि लोग फिल्म को कैसे रिसीव करेंगे और क्या लोगों को उतनी पसंद आएगी जितना मजा हमें आया बनाते हुए, तो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। जैसे आपने कहा कि काफी एक्साइटेड हो, दिस इज योर फर्स्ट डेब्यू, तो हाउ वाज वर्किंग विद मनोज जी एंड जॉन, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? अ फैंटाबुलस एक्सपीरियंस, एंड आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, यू कैन नॉट फाइंड द राइट टीम फाइंड्स यू। So even if you put all your planning and prep together, you cannot get a team that works together the way we worked on Satyam Vijayate. It's just the right team that's just come together by destiny and luck. And I think in my first film, to share screen space with someone as big as John, who's a huge star, and an iconic actor like Manoj sir, you know, who's known for his craft, it's just, I couldn't have asked for more. It's been a fabulous experience. Most importantly, it's been a big learning experience. Manoj, iconic actor, गलती से बोल दिया, वो आपको बोलती हूँ तो ज़्यादा अच्छा है। जी नहीं, मेरे लिए ये फिल्म बड़ी स्पेशल इसलिए है कि एक्सपीरियंस बहुत ही स्पेशल रहा है मेरे लिए। आई मेट टू मेनी फ्रेंड्स, एंड निखिल आडवाणी के साथ में हमारी बातचीत चल रही थी कई सालों से कि साथ में काम करेंगे, बट वो उस तरह की स्क्रिप्ट नहीं आ रही थी कभी भी हमारे पास, या निखिल जब भी मेरे पास स्क्रिप्ट भेजते थे मुझे उसमें मज़ा नहीं आता था। बट लेकिन इस बार जो है मिलाप ज़वेरी ने जब मुझे पूरी कहानी सुनाई
पूरी स्क्रिप्ट सुनाई, मैं दंग रह गया उनकी. मतलब पहले सीन से लेकर लास्ट सीन तक मैं पूरी तरीके से, जबकि मैं नरेशन बिल्कुल नहीं लेता, मैं नरेशन में सो जाता हूँ. इवन इफ माय, मतलब मेरी आंखें खुली भी हों तभी जो है मेरा स्विच ऑफ हो जाता है कम्प्लीटली. बट ये इनके स्क्रिप्ट का कमाल था कि पहले सीन से लेकर लास्ट सीन तक एकदम मैं जगा हुआ था, पूरे तरीके से अलर्ट था, एंड मैं सोच रहा था कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा. तो मेरे लिए बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा है. कमर्शियल फिल्में और ये इस श्रेणी की फिल्में मैंने बहुत कम की हैं, लेकिन इस बार जो मैंने इस फिल्म को छुआ है, मैं कहूँगा कि आई वॉज वेरी वेरी लकी दैट दिस स्क्रिप्ट केम टू मी. सत्यमेव जयते मोमेंट. और हमारे साथ तो आपके साथ ये तो हर रोज होता है, और आप डिसीशन आपके ऊपर है कि आपको रिश्वत देना है, आपको नहीं देना है, आपको सिस्टम फॉलो करना है, इसको तोड़ना है. तो इट्स अ डिसीशन दैट यू हैव टू मेक इन लाइफ, और 99% ऑफ द टाइम आप फॉलो नहीं करते हो. तो मैंने लाइफ में ये पहले से ही मेरा ये डिफॉल्ट सेटिंग है, क्योंकि मेरे पिताजी जो है बहुत ही ऑनेस्ट स्ट्रेट किस्म के इंसान थे, है. ही हैज़ ऑलवेज नेवर ब्राइब्ड एनीबडी, नेवर डन एनीथिंग. तो मैंने कभी लाइफ में ये नहीं किया. तो ये मेरा सत्यमेव जयते मोमेंट इज एवरी डे ऑफ माय लाइफ. आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. सर कितना 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 बदला है इस फिल्म की स्क्रिप्ट ने आपको एज ए? आई डोंट थिंक इट चेंज्ड मी एज. आई थिंक इट जस्ट इट्स मेंट टू एंटरटेन ऑल ऑफ यू. और जैसे मनोज ने कहा कि इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग फिल्म. और हमारी जो हार्श रियलिटीज है रियल लाइफ में, करप्शन, वुमेन मोलिस्टेशन, जैसे लड़कियाँ रास्ते पे चलती हैं उनको लगता है कि कोई उसके कपड़े उतार रहे हैं विदाउट इवन टेकिंग इट ऑफ, तो ऐसे लगता है कि उनको थप्पड़ मारे. तो ये हमारा जो कैरेक्टर है दोनों का, ये वही करता है. वी एड्रेस दीज सिचुएशंस लेकिन इन डिफरेंट वेज. आप लोगों से जानना चाहूँगी कि जब जब ऐसे करप्शन ऐसे टॉपिक्स पे मूवीज बनती है तो कई चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, तो आप लोगों ने खुद को किस तरह से प्रिपेयर किया है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए या ये चीज़ें मूवी में सही गलत कैसे प्रिपेयर किया? मिलाप जवेरी की फिल्म में प्रिपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं. मिलाप जवेरी अपने आप वो, अगर आप प्रिपरेशन करके गए तो ये मान के चलिए कि आपके सारे प्रिपरेशन को उठा के बाहर कर देंगे, और उनके एक नई तरीके की जो एक्टिंग की स्टाइल है वो लेकर के आते हैं और वो आपको देते हैं करने के लिए. उसमें सिर्फ एक ही चीज़ आपको करनी है. मैं बाकी एक्टर्स से कह रहा हूँ जो आगे उनके साथ काम करेंगे, सिर्फ एक ही काम कीजिएगा, आप प्रिपरेशन बिल्कुल मत कीजिएगा. सेट पे जाने के बाद जो डायलॉग हो और जो सिर्फ सुनिए कि वो क्या चाहते हैं वो कीजिए, लेकिन उनको एक्टिंग जब वो करके दिखाएंगे उसको फॉलो मत कीजिए. मिलाप जवेरी बहुत बुरे एक्टर हैं. बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, जितने अच्छे डायलॉग राइटर हैं उससे कहीं कई गुना अच्छे वो डायरेक्टर हैं. और ये फिल्म जो है अपने आप में गवाह है. एंड फिल्म देख करके हम लोग दंग रह गए, खासकर जब डबिंग करते समय. जॉन ने भी कहा इस बात को, मैं भी फिल्म देख रहा था. एक एक सीन को जिस तरीके से उसने शूट किया है, सारे परफॉर्मेंसेस को उसने कवर किया है, इट्स अमेजिंग, इट्स माइंड ब्लोइंग. ओके मनोज, जब पहली नरेशन हुई तो हर एक एक्टर चाहता है कि इस कहानी में कुछ अपना एड ऑन करूँ, कुछ अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस डालूं. तो आपकी जिंदगी का क्या वो मसाला रहा, क्या वो इंसिडेंट रहे या फिर क्या वो डायलॉग? मैंने आपको मतलब बताया ना, इसमें मिलाप जवेरी के जिंदगी के इंसिडेंट हमने डाले. हमारी जिंदगी के इंसिडेंट जो है वो इसमें वेलकम भी नहीं थे. इसमें हमें ये कहा गया कि एक खास तरीके की उनको एक्टिंग चाहिए थी, एक खास तरीके से उनको जो है डायलॉग डिलीवरी चाहिए. इस फिल्म का सोल जो रिस्पॉन्सिबल है और कैप्टन है वो मिलाप जवेरी है. हमारा काम था कि भाई हमने स्क्रिप्ट सुनी, हमने हाँ बोला, उसके बाद मिलाप जवेरी ने पूरे तरीके से कंट्रोल किया है इस पूरी फिल्म को, फ्रॉम द लास्ट फ्रेम टिल द फ्रॉम द फर्स्ट फ्रेम टिल द लास्ट फ्रेम. हमने जब जब अपने तरीके से कुछ नया करने की कोशिश की, उन्होंने उसको हटाया. उन्होंने वो अपना कुछ ले के आए, कुछ यूनिक सा लेकर के आए हैं, और जो कि फिल्म का सबसे बड़ी खूबी है. चाहे वो डायलॉग बोलने को लेकर के हो, चाहे साइलेंसेस को लेकर के हो, चाहे वो वॉक को लेकर के, एवरीथिंग यू नो, एवरीथिंग वी जस्ट फॉलोड हिज इंस्ट्रक्शन एंड नथिंग एल्स.
जब पहले परमाणु एंड नाउ अब तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है बिकॉज परमाणु इज ऑल्सो वन ऑफ द हिट मूवी सो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है तो सेम जॉनर मूवीज करते नहीं इट्स नॉट द सेम जॉनर परमाणु इज एक्चुअली अ कंप्लीटली डिफरेंट जॉनर एंड परमाणु मेरे ख्याल से देयर वाज बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी क्योंकि मैं प्रोड्यूसर भी था उसमें सो देयर वाज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई मस्ट थैंक ऑल ऑफ यू ऑल्सो यू ऑल सपोर्टेड द फिल्म सो थैंक यू सो मच और अभी भी चल रही है इट्स गोइंग टू बी 75 डेज और आई थिंक वेरी फ्यू फिल्म्स आई हैव नॉट हर्ड ऑफ अ फिल्म रिसेंटली व्हिच हैज डन 75 डेज सो आई एम लकी आई एम ब्लेस्ड लेकिन ये बहुत ही अलग फिल्म है एंड आई थिंक यू मस्ट डू ऑल काइंड्स ऑफ फिल्म्स इसके बाद आई वुड लाइक टू डू अ कॉमेडी आई लव कॉमेडीज सो आई टोल्ड मिस्टर मनोज बाजपेयी ऑल्सो ही इज़ अ वेरी फनी मैन इन रियल लाइफ आई सेड इनको भी एक कॉमेडी करना चाहिए बिकॉज इट्स ऑलवेज मेक्स यू हैप्पियर सो आई थिंक द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हियर इज़ दैट हम लोग एक्टर्स हैं इसमें और हर एक को सक्सेस की ज़रूरत है वी वॉन्ट टू गो ऑन विद अ करियर्स विद अ सक्सेसफुल फिल्म So we hope Satyamev Jayate is a successful film. आपसे जानना चाहेंगे कि पहली फिल्म और इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है इतनी अच्छी स्क्रिप्ट है इतने दो अच्छे हैंडसम एक्टर हैं डायरेक्टर जी की बात हो चुकी तो क्या कहना चाहेंगे आप डायरेक्टर बहुत हैंडसम है बहुत हैंडसम बस 20 किलो कम कर ले बस आप बताइए क्या मतलब होता है आपका पहली फिल्म के साथ इतना इतनी सारी चीजें हैपनिंग होती है देखिए हम सब फिल्म बनाते हैं सिर्फ एक ही चीज़ के लिए कि उसको लोग देखने जाएं और उसको पसंद करें दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप बहुत अच्छी फिल्म भी बनाएंगे उसको कोई देखने नहीं जाएगा उसका कोई पॉइंट नहीं है और जब एक फिल्म चलती है एवरीथिंग अबाउट द फिल्म वर्क्स सो आई ऑलवेज वांटेड टू डेब्यू विद अ फिल्म जो बॉक्स ऑफिस पे चले विच इज़ अ ब्लॉक पोटेंशियली अ ब्लॉक बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर ताकि उसके बाद आपको वो चॉइसेस और प्लेटफॉर्म मिले टू डू द काइंड ऑफ वर्क यू रियली वांट टू डू तो जब सातवीं हो जाते के साथ यू नो ये सब कुछ एवरीथिंग इज गोइंग राइट फॉर द फिल्म सो वी होप एंड वी कैन ओनली होप एंड प्रे दैट द पीपल लाइक द फिल्म So that then you're appreciated and like John mentioned before, when you're successful and then you just have the choice to do the kind of films you want to do. जी बहुत कुछ आई थिंक इन लोगों से इतना कुछ है सीखने को जॉन से जो मैंने सीखा है सबसे ज़्यादा is humility and I think उसका lesson जॉन से better कोई नहीं दे सकता he's so humble and after all these years in the industry when he used to come on the set he's just one of the most humble people I've met he's so humble And something that I've learned about Manoj sir, I don't know, I'm sure you guys must know, he has this crazy sense of humor. He's so funny, so you can take your craft very seriously, like he does, and he does these fabulous performances, but you don't have to take yourself seriously. He will do a scene and then break into a laughter and crack a joke and then get into his character again. I was like, wow, I wasn't expecting him to be such a light-hearted, funny man, which he is, and a brilliant actor. जो अपने किरदार में मतलब पूरी फिल्म के दौरान अपने किरदार में घुसे रहते हैं उसी के बारे में सोचते हैं उसी की चीजों को लेके अपने आप को शार्प करते हैं आप किस चीज को फॉलो करते हैं स्विच ऑफ स्विच ऑन करते हैं या फिर आप पूरी शूट के दौरान पूरी फिल्म के दौरान एक ही चीज को फॉलो करते हैं आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन व्हाट द डायरेक्टर वांट्स यू टू डू तो अभिषेक शर्मा के साथ जब मैंने परमाणु की थी उन्होंने कहा कि आप अपने आप को एब्सोल्युटली डीकंस्ट्रक्ट कर दो और हम लोग शुरू से वर्कशॉप्स करेंगे एंड वी गेट इनटू द कैरेक्टर इसमें जैसे मनोज जी ने कहा कि इसमें कुछ वर्कशॉप्स की जरूरत नहीं थी यू हैव टू जस्ट लैंड अप ऑन सेट एंड डू इट तो हर एक का एक ये रास्ता रहता है ना आई फॉलो द डायरेक्टर और सर इस स्क्रिप्ट का सिलेक्शन कैसे करते हैं मतलब घर में किसी डिस्कस करते हैं या फिर नो आई जस्ट गो बाय गट मतलब जैसे मैंने नरेशन सुना जैसे इन्होंने सुना व्हेन यू हियर इट यू फॉल इन लव यू लाइक वाओ व्हाट अ स्क्रिप्ट एंड वी डिसाइडेड टू डू इट तो वैसे हमने किया आई एम श्योर यू ऑल्सो एंजॉयड इट बट फॉर बोथ ऑफ अस इट वाज ऑर्गेनिक सुनने के बाद लाइक अरे ये फैंटास्टिक मतलब फैंटास्टिक स्क्रिप्ट मिलाप के साथ में एक चीज बहुत अच्छी थी कि जहाँ जहाँ पर मिलाप को लगा कि कुछ कमजोर है तो वो मुझसे कहता था कि सर यहाँ पे कुछ नया करते हैं कुछ आप सोचिए इसमें क्या कर सकते हैं तो वो उसकी एक मतलब स्पेस रहता था लेकिन मिलाप क्या है कि सारे ब्लैप जितने भी गैप्स हैं ना उसको फिल इन करके लाता है वो कुछ भी छोड़ता नहीं है किसी के लिए भी
उसके दिमाग वॉल टू वॉल, हाँ वो मतलब वॉल टू वॉल उसका मिलाप का एक बहुत, जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि चाहे आप किसी भी जॉनर की फिल्म बना रहे हो, आप अगर कन्विंस्ड हैं उसको लेकर के, आप पूरे क्लियर हैं, देन यू आर माई डायरेक्टर। बट इफ़ यू आर मेकिंग अ फिल्म जस्ट बिकॉज somebody else हैज डन इट एंड somebody हैज गॉट द रिकॉग्निशन, वो जैसे डेविड धवन साहब है, मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी, क्योंकि जिस तरह की फिल्में बनाई है उन्होंने, मैंने थॉरली इन्जॉय किया उन फिल्मों को, बिकॉज डेविड जो हैं उन फिल्मों में विश्वास करते हैं, उनके लिए वही फिल्में सच हैं। तो मुझे इस, या मिलाप जवेरी भी उसी श्रेणी में आते हैं कि ही एक्चुअली बिलीव्स इन द स्क्रिप्ट एंड द जॉनर ही इज वर्किंग इन, एंड दैट इज व्हेन द एक्टर्स जॉब बिकम वेरी वेरी सिंपल। आप बहुत पैसे बनाते हो वो डेट पे, तो मैथ अगर आप ये फिल्म सोलो रिलीज करते एक हफ्ते बाद, आपका बिजनेस उतना नहीं होता जितना ऑगस्ट 15 पे होता विद गोल्ड। सो इट मेक्स मोर सेंस टू रिलीज इट ऑन अ हॉलीडे, और एक हॉलीडे पे दो बड़ी फिल्मों के लिए देयर इज इनफ स्पेस, सो इट्स नॉट कम्पीटिंग, वी आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। मैं हमेशा सबको यही कहता हूँ, वी आर एब्सोल्युटली कॉम्प्लीमेंटिंग। और जैसे मैंने कहा कि वी वुड लव फॉर पीपल टू गो एंड सी सत्यमेव जयते, वी आर ऑल्सो वेरी हैप्पी इफ पीपल गो एंड सी गोल्ड। ओके जॉन सर, आप दोनों पहले नजर आए थे शूटआउट और बडाला में, उसके बाद अब ये वाली फिल्म है, और जैसे एक दूसरे का काम आप प्रेस करते हैं, कितना खुल के क्रिटिसाइज भी कर पाते हैं, जैसे कोई सीन चल रहा है और मनोज सर को आप कुछ बोल पाए, हाउ कैन यू क्रिटिसाइज मनोज बाजपेयी, वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रिटिसाइज हिम। बट आई थिंक व्हेन यू स्टार्ट, इनके साथ मैं यही कह सकता हूँ कि देयर इज नॉट ओनली रिस्पेक्ट बट देयर इज अ लॉट ऑफ लव ऑल्सो, एंड मेरी ख्वाहिश यही रहेगी कि आई होप आई कैन गेट टू वर्क विद हिम अगेन, मे बी एज अ प्रोड्यूसर, ही एज एन एक्टर, मे बी यू नो इन एनी कैपेसिटी, इफ आई हैव एन एक्सक्यूज टू वर्क विद हिम आई लव टू वर्क, सो नो क्वेश्चन ऑफ क्रिटिसिज्म। नहीं नहीं, लेकिन जो आप कहना चाह रहे हैं मैं एग्जैक्टली समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। कितनी बार क्या हुआ मेरे साथ में, जब हम लोग शूट कर रहे थे, कितनी बार क्या हुआ कि मैंने कोई किया, टेक किया, फिर मैंने एक जॉन मोनिटर पे बैठे हुए थे, जॉन ने कहा कि आई थिंक एक और कर लो सर, एक और कर लो आप, है ना, दैट्स वेरी गुड। इस तरह का एक एटमोसफेयर है जहाँ पे को एक्टर आपको बोले कि सर एक और कर लो, दैट मीन्स कि यू कैन डू बेटर, यू नो। और चाहे मैंने कभी जॉन से कहा ना जॉन वो वाला अच्छा था, वो स्टिक टू दैट, या आयशा के लिए कभी शॉट में हम लोग क्लोजअप कुछ देख रहे हैं, आयशा बहुत बढ़िया था, जस्ट स्टिक टू दैट इन योर सेकेंड टेक। सो हम लोग इस तरीके से आपस में बात करते हैं, क्रिटिसिज्म नहीं होता है, रादर हेल्पिंग ईच अदर टू अंडरस्टैंड यू नो थिंग्स बेटर ऑन द सेट, वो बहुत जरूरी चीज़ होती है। तू पिट गया।